हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज आपका स्वागत करती हूँ मैं मेरे न्यू चैनल टेस्टी कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के लिए अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको और ट्रिक्स भी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस तरह गाजर का हलवा बिना कसे बिना घिसे लेकिन वही टेस्ट के साथ बना सकती हैं। क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लेडीज़ को आती है वो यही है कि हमें घंटों घंटों गाजर कसनी पड़ती है। तो चलिए आज उस टेंशन से फ्री होते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर गाजर लिया है 1/2 kg। उसको मैंने पील रिमूव करके और अच्छे से पानी से धोकर क्लीन कर लिया है। अब हम इसको कट कर रहे हैं आधा आधा इंच के पीसेस में या फिर टुकड़े में, आप बोल दीजिए इसको। आपने कट करना है जैसे आपको सहूलियत है या फिर जिस तरह से आप कट करना चाहती हैं कर लीजिए। अपनी पूरी मेहनत को बचा सकती हैं लेकिन टेस्ट आपको इस गाजर के हलवे में पूरा ओरिजिनल मिलेगा। इसके बाद आपको लेना है कुकर में बहुत थोड़ा पानी। मैं आपको क्वांटिटी दिखाई हूँ इस हिसाब से, बस थोड़ा कि आपकी गाजर जो है वो खाली डिप हो जाए, इतना पानी लेना है। और जब आपको लगे पानी में बॉयल आ रहा है तब आपने अपनी गाजर को इसमें ऐड कर देना है। हमें इसको सिम पर करके 15 से 20 मिनट के लिए कुकर का ढक्कन लगा कर रख देना है। इसमें हमें इसको पूरा फुल बॉयल नहीं करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हाफ बॉयल चाहिए। दूसरी ओर थोड़े आलमंड्स कट किए हैं मैंने गार्निशिंग के लिए, और इसके अलावा गाजर के हलवे में हम ऐड करेंगे इनको। आप जो ड्राई फ्रूट्स पसंद करती हैं वो डाल सकती हैं, मेरे घर में आलमंड्स काफ़ी पसंद किए जाते हैं इसलिए मैंने आलमंड्स लिए हैं। गाजर बॉयल हो चुकी हैं जितना हमें चाहिए, सिर्फ हाफ बॉयल चाहिए। उसके बाद अब हम इस बॉयल गाजर को मिक्सी के जार में डालकर ऑन ऑफ प्रोसीजर के साथ मिक्सी में पीस लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये हमें पूरा पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल ऑन ऑफ प्रोसीजर रखना है ताकि ये जिस तरह से हम कसते हैं उस टाइप का लुक आए गाजर का। आप देखें कि कितना अच्छे से इसका लुक ओरिजिनल आएगा, लाइक गाजर का हलवा जैसे कि आप हमेशा चाहती हैं बिना कसे। हमने गाजर को मिक्सी में पीस लिया है, आप देख सकती हैं कि इसका लुक कितना अच्छा आया है जैसा कि हम लोग चाहते हैं बिल्कुल। अब हमें बनाना है आगे गाजर को, जो हलवे का प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमने गाजर को एक पैन में बिना कुछ डाले, आप देख रहे हैं नहीं मैंने कुछ भी लिया, डायरेक्ट आपको गाजर डाल ली है। पैन नीचे से स्टार्ट कर लीजिए, लो फ्लेम रखिएगा। पूरा गाजर आपने जो पीसा है अभी मिक्सी में उसमें ऐड कर लीजिए। गाजर हमने 1/2 kg ली है इसलिए आप इसमें जो मिल्क ऐड करेंगी वो भी 1/2 kg ही ऐड कीजिएगा। और अब आप इसको पकने के लिए रख दीजिए। आप बीच बीच में चेक करती रहिए, इसको चलाते रहिए ताकि ये ना लगे। अच्छा है अगर आप किसी नॉन स्टिक पैन में इसको बनाए हलवे को, और अच्छे से चलाते रहिए जब तक ये सारा दूध जल ना जाए, क्योंकि प्रोसीजर वही रखना है। हम नहीं चाहते कि हमारे गाजर के हलवे का टेस्ट चेंज हो। जब आपको लगे कि ये हाफ जो मिल्क है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि आपका हलवा ऑलमोस्ट पकने की ओर है, तब आप इसमें ऐड करें शुगर। शुगर आपकी टेस्ट के हिसाब से है कि आप लोग मीठा तेज़ लेते हैं या फिर हल्का, तो इसमें आप अपनी इच्छा से ऐड कर सकते हैं शुगर। दूसरी ओर एक पैन में घी गरम कर लीजिए, उसमें फ्राई करने हैं अपने आलमंड्स। आप जो भी ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हैं उनको हल्का फ्राई कर लें। उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे अपने हलवे में फॉर मोर गुडनेस। इट्स लुक ऑलमोस्ट डन। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 टीस्पून घी लिया है मैंने,
और इसको अच्छे से ऐड करके मिक्स कर लीजिए ताकि ये हलवा अपने फाइनल लुक में आ जाए। और अब इसमें ऐड कर लीजिए आलमंड्स या फिर जो आप ड्राई फ्रूट ले रहे हैं वो। हमारा हलवा रेडी है, अब आप इसको सर्व कर सकती हैं प्लेट में। ये सभी को बहुत पसंद आएगा क्योंकि इस तरीके से बनाने के बाद भी हलवे का टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। इजी वे पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आगे के अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।